आज मार्क्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर कंपनी है, उसने अपनी रुचि दिखाई है कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग एक में गंगा भागीरथी हुगली वाटर सिस्टम के थ्रू वाराणसी से कलकत्ता 16 कंटेनर हमारा जहाज़ है एमवी आर्यन टैगोर उसके तहत लेके वाराणसी से कलकत्ता जा रहा है। ये इस एक चैप्टर में एक बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि कंटेनर मूवमेंट जो कि 12 नवंबर को यहाँ से स्टार्ट किया गया था वो लगातार चलते जा रहा है और नई नई कंपनियाँ इसमें अपनी रुचि दिखा रही हैं। ऐसा ये जो मूवमेंट अभी मक्स कर रहा है, ये मक्स कंपनी अपना एक पायलट मूवमेंट कर रही है जिसमें 16 कंटेनर जा रहे हैं जो कि एम्प्टी हैं, और ये इसका पर्पज़ है कि नेशनल वाटरवेज वन के को पहले एक ट्रायल के रूप में देखा जाए कि कितना सक्सेसफुली ये मूवमेंट किया जा सकता है। हालांकि हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है, पर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आए और ये इस तरह के ट्रायल मूवमेंट कर कर के अपना कॉन्फिडेंस गेन करें और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। देखिए, जलमार्ग के विकास से न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट की कमी हो जाएगी, जबकि जो रोड का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो जलमार्ग के कॉस्ट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, तो एक तो कॉस्ट की कमी हो जाएगी, दूसरे एक जहाज़ जो कि अब 200 कंटेनर एक साथ ले जा सकता है, ऐसे जहाज़ का विकास किया जा रहा है, वो तकरीबन 200 ट्रक्स रोड से हटा देगी। इस तरह से रोड्स भी डिकंजेस्ट होंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो है जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे और उस तरह की घटनाओं का भी में भी कमी आएगी। देखिए, जलमार्ग विकास के तहत हम कई सारी चीज़ों का विकास कर रहे हैं, उसमें टर्मिनल डेवलपमेंट है, उसमें जो है नदी को की गहराई को सुनिश्चित करना है और उसके साथ ही साथ सूचना प्रणाली सिस्टम है और नाइट नेविगेशन की सुविधा है जिसके तहत 24 घंटे जहाज चल सकें। ये मस्क वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग कंटेनर लाइन है और इन ये एक बार ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं जैसे यदि फिलीपीन का एग्जांपल लें, ब्राज़ील का एग्जांपल लें, तो उनके केले के जो फार्म हाउसेज हैं उधर से केला उठा के और वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। तो इधर से भी यदि वाराणसी से जो भी प्रोडक्ट है या नॉर्थ इंडिया का प्रोडक्ट है, ईस्टर्न प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्ट वाराणसी आए, वाराणसी से ये लोग आगे डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड ले जा सकते हैं। मस्क की जो कंटेनर सर्विस है वो पहली बार ट्राई करना चाह रहे हैं, ये कि ये कितना टाइम लगता है इसमें, कितना, क्योंकि ये वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है, नंबर वन कंपनी है कंटेनर, तो ये पहले अपना ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद ये देखेंगे फिजिकल वायबिलिटी बढ़िया है तो ये अपनी सर्विस स्टार्ट कर देंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने ये कंटेनर सर्विस स्टार्ट कर दी है, तो लोग फिर कंटेनर में जगह बुक करना शुरू कर देते हैं। इनके वर्ल्ड वाइड बुकिंग सेंटर्स हैं तो ऑनलाइन बुकिंग होता है कि कंटेनर, पूरा कंटेनर भी बुक होता है और उसमें स्पेस भी बुक हो सकती है। सो वी आर अबाउट टू फ्लैग ऑफ ए वेसल which will travel 1,390 kilometers from Varanasi to Kolkata. It will be loaded with 16 empty containers to be positioned for exporters in Kolkata. And we see this as the first step towards exploring the potential of inland waterways for commercial traffic. ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।